सिटी लाइफ में आपका स्वागत है। मैं स्वाति, और ये नजर डालते हैं आज की ताजा गतिविधियों पर। जिला बार एसोसिएशन की हुई मीटिंग। पिंकिश फाउंडेशन द्वारा डीएवी डेंटल कॉलेज में लगाया गया सैनिटरी पैड कलेक्शन कैंप। जेधर गांव की महिला ने सीएम विंडो पर दी शिकायत। दिल्ली पब्लिक स्कूल में हुआ इंटरनेशनल 2020 क्रिकेट मैच का आयोजन। और अब गतिविधियां विस्तार से। जिला बार एसोसिएशन की हुई मीटिंग। 6 अप्रैल तक वर्क सस्पेंड रखने का लिया फैसला। शहर में आज जिला बार एसोसिएशन की मीटिंग की गई। मीटिंग में एसोसिएशन के 6 अप्रैल को होने वाले इलेक्शंस के बारे में चर्चा की गई। जिला बार एसोसिएशन आगामी इलेक्शंस के चलते 4, 5 और 6 अप्रैल को वर्क सस्पेंड रखेगा, जिससे कि इलेक्शंस की सभी तैयारियां समय पर की जा सके और चुनाव सही ढंग से पूर्ण किया जा सके। हमारी बार एसोसिएशन का इलेक्शन 6 अप्रैल को होने जा रहा है। इसमें प्रेजिडेंट के लिए 6 कैंडिडेट कंटेस्ट कर रहे हैं। श्री बलविंदर सिंह डांडा, रविंद्र कुमार सैनी, दीप चंद सिंगला, दिनेश सिंह चौहान, पवन कुमार पुनिया, साहब सिंह गुज्जर। वाइस प्रेसिडेंट के लिए भी 3 कैंडिडेट हमारे कंटेस्ट कर रहे हैं, चक्षु जुनेजा, दिलावर सिंह, जीडी गुप्ता जी। जनरल सेक्रेटरी के लिए 3 कैंडिडेट हमारे मनवीर सिंह कलेर, रन सिंह, सुरबित वर्मा। ज्वाइंट सेक्रेटरी श्री नितिन शर्मा हमारे डिक्लेयर हो चुके हैं और अनअपोज्ड। ट्रेजरर मिस सुवानी अनअपोज्ड डिक्लेयर हो चुकी है, उसके लिए प्रक्रिया शुरू हो गई है। 4, 5, 6 का हम ऑनरेबल जज से भी रिक्वेस्ट करेंगे वर्क सस्पेंड रखेंगे, ताकि कैंडिडेट जो है अपना कंपेन अच्छी तरह चला सकें और वकील भी कंपेन में शामिल हो सकें। और 6 को वोटिंग जो है हमारी सवेरे 8 बजे से लेके 4 बजे तक चलेगी। 4 बजे के एकदम बाद गिनती शुरू होगी, उसके बाद गिनती जैसे ही खत्म होगी इलेक्शन कर दिया डिक्लेयर कर दिया जाएगा। और सभी से मैं अपील करता हूँ कि सब वकील भाई शांतिपूर्ण इलेक्शन का कंटेस्ट करें और शांतिपूर्ण इलेक्शन की प्रक्रिया को जारी रखें। आप लोगों से भी सहयोग की प्रार्थना करते हैं कि आप लोग भी इस इलेक्शन में बार का सहयोग दें। सभी का धन्यवाद। बहुत टोटल वोट कितने हैं? टोटल वोट 1270 है। 68 वोट थी बिलासपुर बार के, जिसमें से 58 वोट कट चुकी है। 10 बंदों ने एफिडेविट दिया है, 10 वकीलों ने, वो भी यहाँ वोट करेंगे। उनकी वोट बुला के 1270 दो बूथ बनाए जाएंगे, बूथ नंबर 1, बूथ नंबर 2। एक नंबर बूथ पे 1 से 677 तक सीरियल नंबर तक वोट होगी और 677 के बाद की वोट जो है दूसरे बूथ की होगी। हर कैंडिडेट का जो एजेंट होगा वो काउंटिंग पे वो अलग देना चाहे दे सकते हैं। पहले जब वोटिंग होगी हर कैंडिडेट का एजेंट होगा, कैंडिडेट चाहे कैंडिडेट भी आ सकता है। बाकी हमारी टीम के मेंबर हैं श्री गुरमेल सिंह जी, आर ओ हैं, और श्री सुशील, श्री भानु प्रताप जी, अपना कौशिक साहब, राजपाल कौशिक जी, और डीपी बिंदल जी, सुखविंदर सिंह जी, सब मिलके इलेक्शन कराएंगे। और सहयोग या प्रधान जी खड़े हमारे गौतम जी, सेक्रेटरी साहब इनके, डिप्टी मोहित सैनी जी, मैडम जी शिवानी मैडम जो इलेक्टेड नहीं है, इनके सबके सहयोग से शांतिपूर्ण इलेक्शन होएगा जी। और इलेक्शन होगा जो वकील साथी हमारा ऊपर आने में असमर्थ होगा उसकी वोट नीचे से भी ली जाएगी, और कोई साथी जो बिल्कुल यहाँ तक भी नहीं आ सकता गाड़ी या किसी चीज़ में, उसके लिए घर पर भी जाके वोट की व्यवस्था होगी। लेकिन जो आदमी यहाँ होगा उसकी वोट ही होगी, कोई और किसी पावर ऑर्डनी या किसी और के द्वारा वोट नहीं होगी। जो आदमी इन पर्सन आएगा हमारी टीम का मेंबर साथ जाके उसकी वोट लेगा, उसकी वोट पोस्ट हो जाएगी। पिंकिश फाउंडेशन द्वारा डीएवी डेंटल कॉलेज में लगाया गया सैनिटरी पैड कलेक्शन कैंप। लोगों ने सैनिटरी पैड और आर्थिक राशि देकर किया सहयोग। डीएवी डेंटल कॉलेज में पिंकिश फाउंडेशन द्वारा सैनिटरी पैड कलेक्शन ड्राइव के अंतर्गत कैंप का आयोजन किया गया। ये शिविर कॉलेज के प्रिंसिपल आई के पंडित के सहयोग से लगाया गया। इस दौरान कॉलेज के स्टाफ तथा वहां उपस्थित लोगों ने सैनिटरी पैड अथवा आर्थिक राशि का दान देकर भी अपना सहयोग दिया। कैंप का उद्देश्य स्थानीय लोगों से जरूरतमंद महिलाओं एवं लड़कियों के लिए सैनिटरी पैड या आर्थिक सहायता इकट्ठा करना है। मुख्य मार्गदर्शिका श्रीमती नीरा दीवान जी ने बताया कि पहले भी समाज से संस्था को सहयोग मिलता रहा है, यह सहायता बाद में जरूरतमंदों में बांट दी जाएगी। शिविर में 100 से अधिक पैड और 7,000 से अधिक धनराशि इकट्ठा की गई। संस्था की नेता पूजा मोंगा, गोरक्ष केरा तथा हिमानी शर्मा ने बताया कि समाज में आज भी कई कारणों से महिलाएं मासिक धर्म के दौरान कपड़ा इत्यादि का उपयोग करके स्वयं को सर्विकल कैंसर जैसे भयंकर रोगों की शिकार बना लेती हैं। संस्था समय समय पर महिलाओं को साफ सफाई जैसे विषयों पर जागरूक करने में अपना पूर्ण सहयोग कर रही है। जेधर गांव की महिला ने सीएम विंडो पर दी शिकायत। अपनी बहू पर लगाया पोते को बेचने का आरोप।
दुनिया में आते ही एक मासूम को उसकी ही सगी माँ के द्वारा किसी और के हाथों में बेच देने का सनसनीखेज मामला सामने आया है। यमुनानगर के जेधर गांव में रहने वाली सुरेशो देवी ने यह आरोप अपनी बहू के ऊपर लगाए हैं। सुरेशो देवी ने इसी संबंध में एक शिकायत सीएम विंडो पर डाली है और अपने पोते को वापस अपने पास लाने का प्रयास कर रही है। सुरेशो देवी ने सीएम विंडो पर दी शिकायत में बताया कि मनदीप ने एक बेटे को जन्म दिया है और जैसे ही उसको इस बात का पता चला तो वह अपने घर के चिराग को वापस लाने के लिए अस्पताल पहुंची, तो मनदीप और उसके परिवार वालों ने उसे बच्चे को देने से इनकार कर दिया और बताया कि उन्होंने वह बच्चा किसी और के हवाले कर दिया है। यह सुन सुरेशो देवी के पाँव तले जमीन निकल गई, क्योंकि किस्मत ने पहले ही उससे उसका बेटा छीन लिया और अब बेटे की निशानी को भी उससे छीना जा रहा है। सुरेशो देवी ने मनदीप और उसके परिवार वालों पर बच्चे को बेचने का आरोप लगाया है। आहत होकर सुरेशो देवी ने अपनी एक शिकायत सीएम विंडो पर भेजी है और अब वह मांग कर रही है कि उसके बेटे की आखिरी निशानी उसे वापस मिल जाए। यह मांग ले कहीं जी, मेरा लड़का अस्परार हो गया था, उसकी कोई संत नहीं, वो नहीं थी उलाद। मैंने दीप के साथ उसकी शादी करी थी, बड़े धूमधाम से उसकी शादी करी थी, चौ चांद में क्या। तो जैसे मेरा लड़का गुजरा तो उसके दीप के माँ बाप आए तो उसको लेकर चले घर, जाके उसने मेरे पास वो करा जी ने भी मैं तो अपनी लड़की की शादी करूँगी। मैंने कहा बोलिया उनसे भी शादी ना इसकी करो, ये गर्भवती है, ये बच्चा हो जाएगा, इसकी शादी कर देंगे, मैं खुद होकर करवाऊँगी इसकी शादी, मेरी भी बेटी है, मेरे बेटे की बहू है। तो उसके बाद जी है ने मेरी महिला सेलमा दरखास्त दे दी। दरखास्त देने के बाद जी उन्हें फिर मेरे से कहा भी मेरे गाँव वाले ने, सब रिश्तेदारों ने, गाँव पंचायत ने मेरा फैसला करवाया। उस मालिक फैसले में ये बात कहा कि भी जब यू दीप कम ने सारा कुछ निपटा दिया। मैंने उस उनसे बोला कि भी ये बच्चा जिस टाइम पैदा हो जाएगा तो मेरे से दिया जाए, या तेरे पास रहे या मेरे पास रहे, किसी गैर बंदे को ना दिया जाए ये बच्चा। बस ये मेरी मांग थी और यह मांग मेरी पूरी हो जाए, और मैंने कुछ नहीं जाना, ना मेरी कोई लड़ाई है उनके साथ। मैंने नहीं पता जी उसके बाद बच्चा कहाँ होगा, कहाँ हॉस्पिटल में गया। हाँ जी, उसको अस्पताल में बच्चा होया 31 मार्च को, मेरे परिवार में फ़ोन करा उसने, तो उसने कहा भी उसकी दादी से बोल दो भी बच्चा पैदा हो गया और उसको ले जाओ आके। जैसे मैं गई, मिठाई का डब्बा लेगी, 200 रुपए लेगी, बच्चे के 2 वर्दियाँ लेगी, मैंने चौ चांदने थे उसका मुंह चुम्बिया, प्यार कराया, मैंने कोई मेरे दिल में कोई पाप नहीं था, गोद में खिलाया जो मैंने। उसके बाद उसने मेरे से बोल छीन के अगले दिन गई मैं, फिर उसकी छुट्टी हुई, मैंने कहा चल डॉक्टर की वो भरपार मैं कर दूँगी जो उसका लगे होगा फीस का। उन्हें क्या बोलिया मैंने भी कितनी फीस लगी, उन्हें कहा तुमने क्या लेना फीस से, वो हम दे चुके हैं, हम बिल दे चुके। मैंने कहा चलो कोई बात नहीं, मेरे अंदर इस बात का भी कोई और नहीं था जी। फिर मैंने अपना पोता गोद में खिलाया, गोद में लिया, उसने उसकी मम्मी ने मेरे से लेके किसी अजनबी जनानी के गोद में डाल दिया। मैं नहीं जानती उस जनानी ने भी वो कौन थी। मैंने पूछा उससे भी ये कौन है, कह रही कि मेरी सहेली है, बहू ने बोला। तो मैंने उससे उससे पूछा भी तू कौन है, वो कहने लगी मैं जॉब करती हूँ चंडीगढ़ के अंदर, मैं उसको लेने आई थी बच्चे की। हाँ जी, उसके डैडी ने कहा कि भी बच्चा तो हमने किसी रिश्तेदार को देने का वादा कर लिया जी। अरे बच्चा बहुत दूर चला गया, आपने नहीं बच्चा मिलता है, उन्हें मेरे गोद माते जबरदस्ती छीन लिया, रिश्तेदार को देना कर दिया। जैसे उन्हें मेरी गोद माते बच्चा छीनिया, मैंने उससे कहा अभी इतने अच्छा नहीं करा, उन्हें मेरे से गालियाँ गलोज जो भी मतलब बीता, क्या लगा बच्चे की क्या नहीं, तो हमारा बच्चा है मैंने कहा लड़का था जी। तो उसके बाद मैंने डॉक्टर पर अफराद करी, डॉक्टर जी मेरे बच्चे का नाम न्यू बता दो भी बच्चे का, मेरे लड़के का नाम फादर ने पाया या नहीं पाया। डॉक्टर ने मेरे कहा हम कोई नहीं बता सकते हैं, कोई डॉक्टर नहीं बता सकता है, कोई डॉक्टर तेरे थे न्यू नहीं बताएगा अभी कितनी पेमेंट तो करी कितना नहीं करी। मेरी फील ये है कि भी ये तो मेरा बच्चा मेरे से दवाया जा, या वो बहू रख सका, नहीं तो मेरा बच्चा दूसरे के हाथों ना चढ़ाएगा। बस यह अपील है मेरी, और कोई अपील नहीं है, ना मेरी कोई लड़ाई है उनके साथ। दिल्ली पब्लिक स्कूल में हुआ इंटरनेशनल 2020 क्रिकेट मैच का आयोजन। डीपीएस की टीम ने इंग्लैंड की टीम को हराकर ट्रॉफी पर किया कब्जा। दिल्ली पब्लिक स्कूल में आज इंटरनेशनल क्रिकेट मैच का आयोजन किया गया। मैच में 4 दिवसीय जिला लीग कम नॉकआउट टूर्नामेंट में अच्छा प्रदर्शन करने वाले खिलाड़ियों का इंग्लैंड की टीम के साथ मुकाबला हुआ। यह मैच डीपीएस सुपर किंग क्रिकेट अकेडमी इंग्लैंड की सम्मिलित टीम तथा खाटू श्याम क्रिकेट अकेडमी दिल्ली के बीच खेला गया, जिसमें टॉस जीतकर खाटू श्याम अकेडमी की टीम ने पहले बल्लेबाजी करने का निर्णय लिया। उन्होंने विपक्षी टीम के सामने 135 रनों का टारगेट रखा।
जवाब में डीपीएस की टीम ने बेहतरीन प्रदर्शन करते हुए 6 विकेटों से ये मैच जीत लिया। इस अवसर पर स्कूली बच्चों ने सांस्कृतिक कार्यक्रमों के माध्यम से समा बांध दिया। टूर्नामेंट के ऑर्गेनाइजिंग सेक्रेटरी रजनी कालिया ने सभी खिलाड़ियों और उनके कोच को बधाई देते हुए कहा कि इस तरह के टूर्नामेंट भविष्य में भी करवाए जाएंगे, जिससे खिलाड़ियों को अपना और अपने देश का नाम रोशन करने की प्रेरणा मिलती रहे। In 2011, and now I coach at Uxbridge Cricket Club and cricket development manager. I spent 3 years with Middlesex County Cricket Club, signed professional at the age of 16, and then I went on to play at Essex, Leicestershire, and finished up with Hampshire in 1998. My name is Manoj Sharma, and I'm from UK. Se aaya hu. Hume invite kara gaya tha DPS se. यहाँ की फैसिलिटीज़ देखें और देखें यहाँ के बडिंग जो बच्चे हैं जिनके ऊपर इन्होंने इतना काम करा है उनका लेवल कैसा है, और हम अपने बच्चों को लेके आएँ और यहाँ की फैसिलिटीज़ यूज़ करें। हम लोग परसों आए थे इंडिया और कल हम यहाँ पे पहुँचे हैं सुबह। जो हॉस्पिटैलिटी मिली है, जो वेलकम मिली है हमें DPS में, चेयरमैन साहब और प्रिंसिपल सर मिस्टर जिंदल बहुत वेलकमिंग रहे। हमने जो क्रिकेट खेली कल DPS टीम के साथ, उनके बच्चे बहुत टैलेंटेड हैं, उनमें बहुत पोटेंशियल है, और सबसे ज़्यादा जो फैसिलिटीज़ हैं यहाँ पे इतनी अच्छी हैं कि इस स्टेट के अंदर और इवन अदर एडजॉइनिंग स्टेट्स में ऐसी फैसिलिटीज़ स्कूल्स के अंदर बहुत कम होती है। तो जो DPS कर रहा है, इंकरेज कर रहा है बच्चों को, वो बहुत ही अमेजिंग जॉब है, और आगे मैं आई एम श्योर कि ये DPS विल प्रोड्यूस सम वेरी गुड क्रिकेटर्स जो स्टेट क्रिकेट खेलेंगे। हमारे लिए एक्सपीरियंस अच्छा था, मिस्टर वॉकर जो हमारे साथ आए हैं, जो मिडिलसेक्स काउंटी के लिए खुद खेले हुए हैं और हैम्पशायर के लिए भी खेले हुए हैं, लेस्टरशायर, और इन्होंने इंग्लैंड अंडर 15, अंडर 16 और अंडर 18 में क्रिकेट खेली है। बड़े नाम माइकल वॉन इनके कैप्टन थे, मार्कस क्रिस्कॉकेट, विक्रम सोलंकी के साथ इन्होंने क्रिकेट खेली है। इनके बेटे रीस वॉकर 14 साल की एज में मिडिलसेक्स काउंटी के लिए, अकेडमी के लिए साइन अप हुए हैं। बहुत ही टैलेंटेड प्लेयर हैं और टिप्ट हैं कि ये इंग्लैंड अंडर 19 खेलेंगे, इंग्लैंड अंडर 16 खेलेंगे। मेरे बेटे जो आदि शर्मा हैं, ये बक्स काउंटी के लिए खेलते हैं, ये 9 साल की उम्र से क्रिकेट खेल रहे हैं, इमर्जिंग प्लेयर्स प्रोग्राम में हैं, और इन्होंने 10 साल की उम्र में फास्टेस्ट सेंचुरी मारी थी जूनियर क्रिकेट में, 35 बॉल्स में 102 रन। तो बड़े क्रिकेटर्स हैं, इनके लिए वो एक्सपीरियंस बहुत अच्छा रहा, और स्पिनर्स इतने अच्छे टैलेंटेड हैं, और मेरे हिसाब से हम अगले साल आएंगे पूरी एक फुल फ्लेश टीम लेके आएंगे काउंटी की, जो आके यहाँ DPS के साथ खेलेगी, और हम ये चाहते हैं ये रिलेशनशिप आगे ग्रो हो। और हम लोग सब, मैं सबकी बिहाफ पे, मिस्टर वॉकर और बच्चों की बिहाफ पे, आई वॉन्ट टू रियली थैंक चेयरमैन साहब एंड प्रिंसिपल सर, जो हॉस्पिटैलिटी इन्होंने दी है हमें और जो वेलकम करा है, ये हमने ऐसा कभी फेस नहीं करा, और आई एम श्योर मिस्टर वॉकर की तरफ से भी मैं बोलता हूँ कि इट वॉज अमेजिंग, एंड ईयर ऑन ईयर हम ये रिलेशनशिप आगे ग्रो करना चाहते हैं, और सबसे बड़ी बात यहाँ के बच्चों को भी अपॉर्चुनिटी देना चाहते हैं इंग्लैंड आके कि वो हमारे साथ खेलें, क्योंकि हम जो एक्सपीरियंस ले रहे हैं हम चाहते हैं वापस उनको वो एक्सपीरियंस मिले इंग्लैंड आके। तो ये हमारा एम है। वो बच्चे आए हैं इस साल, हम पहले देखना चाहते थे कि यहाँ की फैसिलिटीज़ वगैरह कैसे हैं। रईस वॉकर और आदि शर्मा आए हैं, दोनों ऑलराउंडर्स हैं। रईस वॉकर नंबर 3 पे बैटिंग करता है, फास्ट बॉलर है, आदि एक नंबर 4 बैट्समैन है और लेग स्पिनर है। इन्होंने आके यहाँ पे 2 T20 मैचेस खेले हैं DPS स्कूल की तरफ से, उनकी जो इनविटेशनल 11 था उसमें, और दोनों ने काफ़ी अच्छा परफॉर्म करा। कल रईस ने 25 नॉट आउट मारे, आदि ने 15 नॉट आउट मारे, विनिंग कॉज का स्कोर था। दोनों ने बॉलिंग काफ़ी अच्छी करी, आज रईस ने 1 विकेट ली, आदि ने 2 विकेट ली। बैटिंग में आज इतना वो परफॉर्म नहीं कर पाए, बट ओवरऑल दोनों विनिंग कॉज पे थे एंड दे हैव रियली एंजॉयड दैट एक्सपीरियंस। DPS सुपर किंग्स अकेडमी, जो कि DPS का ही एक पार्ट है, उसने 2 दिन का एक T20 क्रिकेट टूर्नामेंट रखा गया था। उस क्रिकेट टूर्नामेंट में हमने ऑलरेडी बच्चों को पूरे डिस्ट्रिक्ट से सिलेक्ट किया था। उन बच्चों को ट्रेन करने के बाद उनका एक मैच कराए गए, मैच मिडिलसेक्स काउंटी क्लब से, जो हमारे मेहमान आए हुए हैं मिस्टर अनुज एंड मिस्टर वॉकर, उनके साथ उनके बच्चे रईस वॉकर एंड आदि शर्मा, इन दोनों ने बहुत अच्छा परफॉर्म किया। इनफैक्ट इनकी इनपुट से हमारे बच्चों को मोटिवेशन भी मिला। मेन मकसद ये था कि हमारे बच्चों के साथ उनको एक्सपोजर मिलेगा और इन बच्चों को भी हमारे बच्चों को एक्सपोजर मिलेगा, दोनों कंट्रीज़ की कलेब्रेशन हो जाएगी। हमारी मैनेजमेंट का आगे प्लान ये है कि हम अपने जो ग्राउंड हैं इनको और एक्सपेंड करें। हमारा नेक्स्ट टारगेट है कि ये एसोसिएशन जो हमारी अब शुरू हुई है,
ये फर्दर कंटिन्यू हो, जिसमें हर साल या तो हमारी टीम वहाँ विज़िट करे या ये लोग हमें विज़िट करें। प्लस नेक्स्ट टारगेट है कि हम अपने इन्हीं ग्राउंड्स पर डे एंड नाइट टूर्नामेंट्स का आयोजन करें। ये ऑलरेडी हमारी डिस्कशन हो गई है, कोशिश ये होगी कि एक मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग बहुत जल्द इनके साथ साइन हो जाएगा, जिसमें ये हमारे बच्चों को, इनके जो कोचेज़ आएंगे बाहर से, वो ट्रेन करें, ताकि सिर्फ स्कूल के ही बच्चों को नहीं बल्कि ज़िले के और जो बडिंग क्रिकेटर्स हैं उनको भी ये मौका मिल सके कि वो भी एक अच्छे लेवल का क्रिकेट खेल सकें। आज की गतिविधियों में बस इतना ही, तब तक के लिए नमस्कार।